गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था रासायनिक सूत्र बनाना, और अपन किसी उदासीन अणु का रासायनिक सूत्र बनाते हैं तो अपन को ध्यान में रखना है कि उसमें जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, है ना। तो अपन यहां पर धनायन और ऋणायन कौन कौन से होते हैं, उनको क्या कहा जाता है और उनपे आवेश कितना होता है ये देखेंगे। तो देखिए, पहले अपन धनायन देखते हैं, और धनायन में पहले कौन से, एक सिंगल H प्लस हाइड्रोजन आयन। अब एक संयोजी धनायन का मतलब क्या होगा, ऐसे धनायन जिन पे प्लस का एक आवेश हो, ठीक है ना। Na प्लस सोडियम आयन, K प्लस पोटेशियम आयन, NH4 प्लस NH4 प्लस को कहा जाता है अमोनियम आयन, है ना। तो इस टाइप से ये क्या है, ये एक संयोजी धनायन है। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा Ag प्लस Ag प्लस होता है सिल्वर आयन, Cu प्लस। अब कॉपर पे यदि प्लस का एक हो तो उसको कहते हैं क्यूप्रस आयन। क्या कहते हैं, क्यूप्रस आयन। अब देखिए, कॉपर पे एक तो प्लस का एक होता है और एक प्लस का दो होता है, ठीक है। अब यदि किसी परमाणु में दो या दो से अधिक आवेश पाए जाते हैं, है ना, तो यदि उस पर उस आवेश का मान क्या है, कम है, जैसे यहां Cu प्लस वन में आवेश का मान कम है, तो आवेश का मान कम होता है उसमें लास्ट में लगाते हैं अस, और जिस आयन में आवेश का मान अधिक है, जिस आयन में आवेश का मान अधिक है उसके लास्ट में लगाते हैं इक, ठीक है। तो यहां Cu प्लस वन में आवेश का मान कम है तो अस, इसलिए इसको कहा जाता है क्यूप्रस। क्या कहते हैं, क्यूप्रस कहते हैं। और Cu प्लस टू आवेश का मान अधिक है, इक लगेगा, तो इसको क्यूप्रिक कहा जाता है। तो कॉपर की ये दो स्टेज हो गई, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। ऐसे आपको सभी जगह ध्यान में रखना है कि यदि किसी आयन में दो आवेश होते हैं तो जहां कम आवेश है वहां लास्ट में लगेगा अस, और जहां अधिक आवेश है वहां पे लास्ट में लगेगा इक, ठीक है। अब देखिए, Cu प्लस वन हो गया क्या, क्यूप्रस आयन। तो इस टाइप से ये एक संयोजी धनायन हो गए। अब अपन लिखेंगे द्विसंयोजी धनायन। तो द्विसंयोजी धनायन में Mg प्लस टू मैग्नीशियम आयन,
सी ए प्लस टू कैल्शियम आयन बीई प्लस टू बेरिलियम आयन ठीक है और इसी टाइप से Fe प्लस टू होता है फेरस आयन। अब देखो आयरन जो है Fe किसका प्रतीक होता है आयरन का। अब आयरन का जो धनायन है वो उसमें भी दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक तो प्लस दो और एक प्लस तीन। अब प्लस दो कम है तो इसके आगे लग गया अस, और प्लस तीन अधिक होता है वो उसको कहते हैं फेरिक, उसके लास्ट में लग जाता है इक, है ना, वो प्लस तीन वाले में। द्विसंयोजी में अगला है Cu प्लस टू, तो इसको कहते हैं क्यूप्रिक ठीक है। Zn प्लस टू जिंक आयन है ना, तो ये अपने द्विसंयोजी धनायन है। आप एक संयोजी में लिथियम को भी कर सकते हो, लिथियम पर भी प्लस का कितना होता है एक, Li प्लस लिथियम आयन ठीक है। तो ये एक संयोजी धनायन हो गए, ये द्विसंयोजी धनायन हो गए। अब अपन लिखेंगे त्रिसंयोजी धनायन। अब देखिए त्रिसंयोजी धनायन है, इनमें Fe प्लस थ्री को कहा जाता है फेरिक आयन, Fe प्लस टू को फेरस आयन और Fe प्लस थ्री को फेरिक आयन। इसी प्रकार से Al प्लस थ्री एल्यूमिनियम आयन। अब अपन करेंगे चतुर्संयोजी धनायन। Sn प्लस फोर स्टेनिक आयन। अब देखिए Sn प्लस दो में भी होता है तो ये कम आवेश है तो इसके लास्ट में लगेगा अस, और प्लस चार अधिक आवेश है तो इसके आगे लगेगा इक, तो ये स्टेनिक आयन और Sn प्लस टू होता है स्टेनस आयन। ठीक है, तो ये आपके मुख्य क्या है धनायन है, एक संयोजी द्विसंयोजी त्रिसंयोजी चतुर्संयोजी। तो आपको यहां पे ये याद कर लेना है कि कौन से धनायन पे कितना धनावेश होता है, ये रासायनिक सूत्र बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। अब जैसे किसी अणु का नाम आ गया फेरस सल्फेट, अपन को सूत्र बनाने दे दिया जाए किसका, फेरस सल्फेट का। अब वहां पे फेरस नाम क्या आ रहा है, फेरस, तो फेरस का मतलब वहां पे क्या होगा Fe प्लस टू, यानी वहां पर धनावेश कितना है प्लस का दो है ना, तो
तो ऋणावेश भी कितना होना चाहिए, माइनस का दो। तो इस प्रकार से ये हेल्प करेंगे आपको। अब अपन लिखेंगे ऋणायन, जिनको इंग्लिश में कहते हैं एनायन। सबसे पहले लिखेंगे एक संयोजी, तो देखिए एक संयोजी में H माइनस। अब अभी अपन ने देखा था धनायन में H पे प्लस हो तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन, और यदि H पे क्या हो माइनस का एक हो तो उसे कहा जाता है हाइड्राइड आयन। तो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्राइड आयन कहा जाता है। ठीक है, अब किसी अणु के नाम में हाइड्रोजन आ रहा है मतलब वहां पे H प्लस वन में है, और यदि किसी के नाम में हाइड्राइड आ रहा है, क्या आ रहा है हाइड्राइड, मतलब वहां पे हाइड्रोजन है वो माइनस एक में है। तो पहले अपन एक संयोजी ग्रहण कर रहे हैं, वे सभी ऋणायन आएंगे जिन पे माइनस का एक होता है। ठीक है, OH माइनस को कहा जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। Cl माइनस को कहा जाता है साइनाइड आयन। CH3COO-। अब देखिए आपने 10th क्लास में इसका नाम देखा होगा एसिटिक अम्ल, ये सिरका का फॉर्मूला है जिसे क्या कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं, है ना। अब यदि इसका हाइड्रोजन चला जाए किसके रूप में, H प्लस के रूप में, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस, ये बनेगा, तो इसको कहा जाता है एसीटेट आयन। तो एसिटिक अम्ल का H प्लस चला गया तो क्या बन गया, एसीटेट आयन। ठीक है, Cl माइनस क्लोराइड आयन, Br माइनस ब्रोमाइड आयन, F माइनस क्लोराइड आयन, I माइनस आयोडाइड आयन। ठीक है, तो ये वो ऋणायन है जिन पे माइनस का एक होता है, यानी ये एक संयोजी ऋणायन है। अब देखें अपन द्विसंयोजी ऋणायन, तो द्विसंयोजी ऋणायन में देखिए SO4-2 SO4-2 को कहा जाता है सल्फेट आयन, CO3-2 CO3-2 को कहा जाता है कार्बोनेट आयन, O-2
ओ माइनस टू को कहा जाता है ऑक्साइड आयन, यानी किसी अणु में क्या लिखा हुआ हो, ऑक्साइड लिखा हुआ, क्या लिखा हो ऑक्साइड, यानी वहां पे ओ माइनस टू होगा। एस माइनस टू, ये होता है सल्फाइड आयन। एसओ थ्री माइनस टू, ये होता है सल्फाइड आयन, ठीक है। अब देखिए इसमें एक संयोजी आयन में NO3- को नाइट्रेट आयन, NO3- को क्या कहेंगे, नाइट्रेट आयन कहेंगे। इसी प्रकार NO3- को नाइट्रेट आयन, NO2- को कहा जाता है नाइट्राइट आयन। NO3- नाइट्रेट आयन, NO2- नाइट्राइट आयन, ठीक है। तो ये एक संयोजी में अपन ने दो और कर लिए, एक संयोजी में शामिल करना है इनको। द्विसंयोजी में SO4- सल्फेट, S-2 सल्फाइड, SO3- सल्फाइड, ठीक है। CO3- कार्बोनेट आयन, O-2 ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, द्विसंयोजी धनायन है, सॉरी द्विसंयोजी ऋणायन है। अब अपन करेंगे त्रिसंयोजी ऋणायन, यानी जिन पे माइनस का कितना हो, तीन हो, जिन पे माइनस का तीन हो। PO4- 3, क्या है ये PO4- 3, तो इसको कहा जाता है फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है। अब अपन करेंगे चतुर्संयोजी ऋणायन, FeCN6- 4, FeCN6- 4 को कहा जाता है फेरोसाइनाइड आयन। FeCN6- 4 को क्या कहते हैं, फेरोसाइनाइड आयन कहते हैं। तो ये अपने मुख्य मुख्य क्या है, ऋणायन है, एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और चतुर्संयोजी, ठीक है। तो ये अपने धनायन हो गए और ऋणायन हो गए। अब अपन को उस रासायनिक सूत्र बनाते समय क्या ध्यान में रखना है कि उदासीन अणु है उसमें जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब अपन रासायनिक सूत्र बनाते हैं, जैसे अपन को फॉर्मूला बनाना हो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अब देखिए इसके नाम से क्लियर है
यहां पे धनायन के रूप में तो है सोडियम आयन और क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है Cl माइनस, ऋणायन के रूप में है क्लोराइड आयन, है ना। अब देखिए अपने कहा कि उदासीन अणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। अब सोडियम पे प्लस एक, क्लोराइड पे माइनस एक, प्लस माइनस बराबर है ना, तो एक सोडियम आयन हो जाएगा और एक क्लोराइड आयन हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा NaCl, है ना। तो धनावेश और ऋणावेश दोनों क्या है बराबर है, तो फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। यदि अपन को फॉर्मूला लिखना हो सोडियम ऑक्साइड का, इसका फॉर्मूला लिखना हो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना, तो देखिए यहां पे सोडियम आयन है और ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन क्या होता है O माइनस टू, है ना। अब देखिए सोडियम आयन पे प्लस का एक है और ऑक्साइड आयन पे माइनस का दो है। अब प्लस का एक माइनस का दो, प्लस माइनस बराबर नहीं है। अब यहां माइनस दो है तो प्लस के भी कितने करने हैं, दो करने, तो अपन सोडियम कितने ले लेंगे दो, ठीक है, सोडियम कितने ले लेंगे दो ले लेंगे, तो एक सोडियम पे प्लस एक तो दो सोडियम पे प्लस दो और ऑक्साइड पे माइनस दो, प्लस दो माइनस दो क्या हो जाएगा इक्वल, है ना। तो इसके फॉर्मूले में सोडियम आयन आएंगे दो, ऑक्साइड आयन आएगा एक, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Na2O। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया Na2O। अब यदि अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं NaO, एक सोडियम एक ऑक्साइड, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पे प्लस माइनस बराबर नहीं होगी, है ना। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा Na2O। अब यदि अपन को फॉर्मूला लिखना है सोडियम सल्फेट का, तो यानी यहां पे सोडियम आयन धनायन के रूप में है और सल्फेट आयन क्या होता है SO4 माइनस टू, और सल्फेट आयन यहां पे ऋणायन के रूप में है, प्लस का एक माइनस का दो बराबर नहीं है धनावेश ऋणावेश, तो यहां माइनस का दो है तो सोडियम ले लेंगे दो, एक सोडियम पे प्लस एक तो दो सोडियम पे प्लस दो, है ना। तो सोडियम सल्फेट के फॉर्मूले में सोडियम आयन आएंगे कितने दो, सल्फेट आयन एक, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, ठीक है। अब देखिए सोडियम एसीटेट, अपन को फॉर्मूला लिखना हो किसका सोडियम एसीटेट का, तो देखिए यहां पे धनायन तो है सोडियम आयन और ऋणायन है एसीटेट आयन, ठीक है। ये एसीटेट आयन होता है, ये सोडियम आयन, सोडियम आयन पे प्लस का एक और एसीटेट आयन पे माइनस का एक, प्लस एक माइनस एक बराबर हो गए, तो यहां इसके फॉर्मूले में सोडियम आयन एक आएगा, एसीटेट आयन भी एक आएगा, है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ये CH3CONa, ये तो हो गया एसीटेट और ये हो गया सोडियम, तो ये फॉर्मूला है सोडियम एसीटेट का, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को सूत्र बनाते वक्त प्लस और माइनस दोनों को क्या करना है बैलेंस करना है, उसी के अकॉर्डिंग सही सूत्र है वो बनेगा।
अब जैसे अपन को फॉर्मूला बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम आयन होता है Ca+2 और कार्बोनेट आयन होता है CO3-2। ये कैल्शियम आयन हो गया और ये कार्बोनेट आयन हो गया, है ना। अभी भी बनाए थे अपन ये सारे। तो देखिए कैल्शियम आयन पे प्लस का दो और कार्बोनेट आयन पे माइनस का दो। अब प्लस दो माइनस दो दोनों क्या है, बराबर हो गए। प्लस का दो माइनस का दो बराबर हो गए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूले में एक कैल्शियम आयन आएगा और एक कार्बोनेट आयन आएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3। अब जैसे अपन को फॉर्मूला लिखना हो एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है। अब देखिए यदि आप ये प्लस माइनस वाला धनायन और ऋणायन को अच्छी तरह याद नहीं करोगे तो गारंटेड बात है कि नॉर्मली ये फॉर्मूला किसी को पूछा जाता है तो वो गलत लिख देता है, क्योंकि वो धनायन और ऋणायन का ध्यान नहीं रखते कि वहां पे प्लस और माइनस को क्या करना है, इक्वल करना है। तो देखिए यहां एल्यूमिनियम आयन है Al+3 और सल्फेट आयन है SO4-2, ठीक है। एल्यूमिनियम आयन हो गया Al+3, सल्फेट आयन हो गया SO4-2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तभी सही बनेगा जब प्लस और माइनस क्या हो, इक्वल हो। तो यहां देखिए प्लस और माइनस को कैसे इक्वल करेंगे, एल्यूमिनियम आयन है वो तो ले लेंगे दो, ठीक है, और सल्फेट आयन है वो ले लेंगे तीन। एल्यूमिनियम आयन दो ले लेंगे, सल्फेट आयन तीन ले लेंगे। अब एक एल्यूमिनियम आयन पे प्लस का तीन तो दो एल्यूमिनियम आयन पे प्लस का छह, तो प्लस का टोटल कितना हो गया छह। अब सल्फेट आयन कितने लिए तीन, तब एक सल्फेट आयन पे माइनस का दो तो तीन सल्फेट आयन पे माइनस का छह। तो इस प्रकार प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के फॉर्मूले में एल्यूमिनियम दो सल्फेट तीन, तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा Al2SO4-3। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का एकदम सही फॉर्मूला है, ठीक है ना। अपन को फॉर्मूला लिखना हो किसका, जिंक एसीटेट का। तो यहां जिंक आयन Zn+2, एसीटेट आयन CH3C(O-). अब प्लस का दो है और माइनस का एक है, है ना, तो बराबर करने हैं। तो एसीटेट ले लेंगे कितने, दो। अब Zn+ पे प्लस का दो है, एक एसीटेट पे माइनस एक तो दो एसीटेट पे माइनस दो, प्लस दो माइनस दो बराबर हो गए। तो देखिए इसका फॉर्मूला CH3C(O) एसीटेट कितने है, दो है जिंक। तो ये फॉर्मूला है किसका, जिंक एसीटेट का, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप है वो अपने माइंड में जो डिफरेंट अणु है उनके नाम है वो लेके आओगे और उनके क्या बनाओगे, फॉर्मूले बनाओगे। ध्यान ही देना है कि जितना प्लस उतना माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूले बना सकते हो। अगला टॉपिक अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।